नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज की क्लास करने वाले हैं रेलगाड़ी से, यानी कि रेलगाड़ी आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी, व्यापम, रेलवे जितने भी परीक्षाओं की तैयारी करें या फिर आने वाले परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हॉस्टल वार्डनर या फिर एसआई भर्ती की, उनके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस कराई जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो रेलगाड़ी से प्रश्न कर रहे थे, यानी कि पिछले वीडियो में बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर रेलगाड़ी की क्लास कराएं, तो आज हम पूरा रेलगाड़ी से क्लास करेंगे। पूरा ये जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल आप सभी को कराऊंगा एक ही वीडियो में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी। लास्ट तक जरूर देखना है, एक ही वीडियो में आपका रेलगाड़ी से पूरा कंप्लीट क्लास करा दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए, कौन कौन से या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलगाड़ी से। अगर जो लोग स्टूडेंट नए हैं या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो वीडियो को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो पर अपना नाम कमेंट करके बताइएगा जो लोग रेलगाड़ी यानी कि उस संबंधित सवाल जो लोग नहीं जानते, या फिर जिन लोगों को पता है वो वीडियो नहीं देख सकते या फिर देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलगाड़ी से या आने की संभावना है पूरी वीडियो में बताऊंगा। ये एक तरह का कैप्सूल के साथ मान ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी चल सकता है। एक ही वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो देखिए, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलगाड़ी से। तो देखिए, खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करने में, यानी कि खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करने में, ये पहला सवाल हो गया। उसी प्रकार गतिशील व्यक्ति को पार करने में, यानी कि कोई खड़ा व्यक्ति है या फिर खड़े खंभा है उसको पार करने में लगा समय, या फिर इस प्रकार पूछ सकते हैं कि गतिशील यानी कि दौड़ते हुए या रेलगाड़ी दौड़ते हुए जा रहा है या फिर रनिंग करते जा रहा है, इस प्रकार के व्यक्ति को पार कर, या फिर बैठे व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति है जो रेलगाड़ी के स्टेशन पर बैठा है उसको पार करने में, या फिर प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति, ये चौथा ट्रिक हो गया, प्लेटफॉर्म या फिर खड़े व्यक्ति, यानी कि कोई खड़ा व्यक्ति है या फिर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया है रे पर, और ये आपका खड़ा व्यक्ति हो गया, ठीक है। जैसे कि ये खड़ा व्यक्ति है उसको पार करना, या फिर सिग्नल को, या फिर कोई एक सिग्नल दिया रहेगा इस प्रकार का, यहाँ पर सिग्नल रहता है हरा लाल और पीला जो भी है ना, उसको पार करेगा, या फिर रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, या फिर इधर से कोई एक रेलगाड़ी आ रही है, या फिर इधर से कोई एक रेलगाड़ी आ रही है, यानी कि रेलगाड़ी को पार करने वाला समय, यानी कि इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, इधर से एक रेलगाड़ी, यानी कि दोनों ही तरफ से रेलगाड़ी आ रही है, ऐसे वाला प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन देखेंगे, या फिर एक ही दिशा में, या फिर रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही होगी, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक ही वीडियो में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। इसके बाद हम टाइम एंड वर्क क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ही दिशा में, यानी कि रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, या फिर उधर से एक ही दिशा में वापस आ रही है, ठीक है। उसके बाद विपरीत दिशा में, यानी कि इधर से आने वाली रेलगाड़ी और इधर से आने वाली रेलगाड़ी, यानी कि दोनों ही तरफ से रेलगाड़ी आ रही है, इस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आने में और जाने में लगा समय, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूरे एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाला हूँ। पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, मैं तीन तरह का बताने वाला हूँ, ठीक है। उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर इस वीडियो को आपने पढ़ लिया समझो रेलगाड़ी से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी प्रकार आपका हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। अगर समय पूछ लिया जाता है तो समय बराबर हो जाएगा आपका बटा चाल, ठीक है। ये आपका दूरी हो गया, ये चाल हो गया। तो समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा समय, ठीक है। उसी प्रकार दूरी बराबर चाल गुना समय, उसी प्रकार समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए, घोल कर पी जाइएगा, ठीक है। देखिए, अगर
किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा गया है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है आपको, चेंज करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, ये पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको बताने हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल पूछे ही जाते हैं, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया समझो एग्जाम क्लियर। देखिए अगर किलोमीटर से प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए पूछा जाए, ठीक है, अगर किलोमीटर से आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप, इसको क्या लिखिएगा, 18/5 से गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 18/5 से। ये दो ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, 5/18 से गुणा करोगे, किससे करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ट्रिक के साथ। तो देखिए यहाँ पर, यानी कि कोई एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मान लो कोई एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मान लो कोई एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो उसकी चाल क्या ज्ञात करना है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी के लिए फॉर्मूला बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा से आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो आपको क्या फॉर्मूला बताया था आपको, अगर किलोमीटर दिया गया तो आपको 5/18 हो जाएगा, अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आप 18/5 से गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 72 किलोमीटर घंटा की चाल से रेलगाड़ी जा रही है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे क्या करेंगे, जब 72 किलोमीटर दिए तो 72 × 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 × 18, 18 × 72, 5 × 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसी पर और क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मान लो कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक है, मान लो कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और उसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, तो किससे गुणा करोगे, 36 × 5/18 कितना आ जाएगा, 18 × 36, और ये आपका 5 × 2 करेंगे तो आपका 10 मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आ जाएगा। ये आपका पहला ट्रिक था, ये आपका ऐसे एग्जाम में साधारण प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अगर कोई एक रेलगाड़ी है जो इतना किलोमीटर, यानी कि मान लीजिए अगर 36 किलोमीटर रेलगाड़ी जा रही है, उसको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, तो अब किस तरह फार्मूला बताओगे, 5/18, क्या लिखोगे, 5/18 से गुणा करोगे। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, अगर 25 मीटर प्रति सेकंड में जाएगा, अगर 25 मीटर सेकंड में अगर रेलगाड़ी जाती है तो उसको किलोमीटर घंटा में चेंज करना है, 25 किलोमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अगर कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, मान लो जी एक रेलगाड़ी है जो 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 25 गुना
18 बटे 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 से 5 बार में कटेंगे 25 और 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा में ये निकल कर आ जाएगा। तो कितने किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं आपको 75, ठीक है, 75 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक रेलगाड़ी चलती है, एक रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, अगर 75 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, जल्दी से इसको सॉल्व करें। या आपको 75 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है, तो उसको किलोमीटर प्रति से किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक प्रकार का कैप्सूल समझ लीजिएगा, एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपको करा दूंगा। देखिए इसका आ जाएगा 75 × 18/5, इसको काटेंगे कितना से जाएगा, 5 × 1 = 5 और ये आपका बच जाएगा 2 और 25, 15 × 5 = 75, आप 18 × 15 करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 18 × 15 करोगे तो कितना आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 270 किलोमीटर प्रति घंटे इसका हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जो आपके एसएससी व्यापम रेलवे जितने भी प्रश्न हुए हैं उनमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर लंबी चाल से चल रही है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खड़े व्यक्ति या फिर खंभे को या फिर सिग्नल को पार करने में लगा समय। मान लीजिए देखिए मान लो कोई एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर लंबी है, कितनी है 150 मीटर लंबी है, कोई एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर लंबी चाल से जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ पर क्या करें, खड़े व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खड़ा है या फिर खड़े व्यक्ति या फिर सिग्नल को या फिर खंभे को, कोई खड़ा व्यक्ति या फिर खंभा या फिर सिग्नल को पार करने में लगा समय, ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर लंबी चाल से 150 मीटर लंबी चाल से जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। पार करने में लगा समय क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, समय के लिए होता है आपका समय बराबर दूरी बटा चाल, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 54 को कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो उसको कैसे चेंज करते हैं, 5 × 18, इसको कैसे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 × 3 = 54 और 5 × 3 = 15, तो आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया है। और आपको पूछा गया है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो आपका हो जाएगा 150 मीटर लंबी एक जो ट्रेन है, तो इसका हो जाएगा 15 से इसको भाग कर देंगे, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो आपको कितना निकल कर आया, दूरी कितनी है आपका 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, उसका दूरी है चाल आपका 15 किलोमीटर है, तो उसको कैंसिल कर देंगे 15 × 15, यानी कि कितना आ जाए आपका 10 समय, यानी कि 10 सेकेंड लगेगा, कितना लगेगा 10 सेकेंड इसका लगेगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, यानी कि देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, यह क्वेश्चन आपके एसएससी बैंकिंग और रेलवे में पूछा गया है। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। मान लीजिए कोई एक ट्रेन है,
ये आपका कोई एक ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जो आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन, मान लीजिएगा ये आपका 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है, मान लीजिए 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे एक ट्रेन को या फिर सिग्नल को पार करने में लगा समय, तो समय के लिए आपको फार्मूला बताया था, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी आपका कितनी है यह आपको निकल कर आ जाएगी 180 मीटर लंबी, यानी कि 180 मीटर हो गया और यहाँ पर 72, ठीक है, और 72 को सबसे पहले चेंज कैसे कहते हैं, 72 किलोमीटर को 5/18 से चेंज करेंगे तो 18 × 72 और 5 × 20 यानी कि आपका 180/20 किलोमीटर आ जाएगा। उसको और कैंसिल कर सकते हैं तो 20 से 10 और 10 कैंसिल हो गया, फिर 2 × 18 यानी कि 9 सेकंड में, यानी कि 9 सेकंड में एक सिग्नल को पार कर जाएगी, कितने समय में या कितने सेकंड में, 9 सेकंड में इसको पार कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो ट्रिक थे, अब गतिशील व्यक्ति को पार करने वाला देखेंगे, अब देखे थे क्या कहते हैं, पहले खड़े व्यक्ति या फिर रेलगाड़ी या फिर सिग्नल या फिर खंबे को पार करने वाला, अब देखने वाले हैं गतिशील व्यक्ति को पार करने वाला देखेंगे, क्या देखेंगे, गतिशील व्यक्ति को पार करने वाला। देखिए अब देखेंगे गतिशील वाला, ठीक है, गतिशील व्यक्ति को या फिर खंभे को पार करेगी, गतिशील वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके एसएससी बैंकिंग और पीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में या फिर देख सकते हैं एक ही दिशा में या फिर अपने ही दिशा में, यानी कि कोई एक ट्रेन है जो एक ही दिशा में जा रही हो या फिर अपने ही दिशा में जा रही हो, यानी कि दोनों तरफ से नहीं सिर्फ एक ही दिशा से, देखिए वीडियो को लास्ट तक देखना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि मान लीजिएगा 40 किलोमीटर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, नाउ दिस क्लियर, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो, कौन सी दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में, ठीक है, वीडियो को ध्यान से समझना, ऐसी कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं बताया होगा, वीडियो को ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एक ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी, मान लो कोई एक रेलगाड़ी जो एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में, ठीक है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है, तो व्यक्ति को पार करने में कोई एक व्यक्ति है यहाँ पर या फिर कोई एक खंबा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए हम ऐसी कोई एक व्यक्ति है या फिर खंबे को पार करने में लगा समय, ठीक है, अब ये कोई एक रेलगाड़ी, मान लीजिए आपका कोई एक रेलगाड़ी है, ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, कार्टून टाइप का, ठीक है, कार्टून टाइप का आपको समझाऊंगा समझ में आएगा, ठीक है, मान लो कोई एक रेलगाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में, कोई एक व्यक्ति या फिर खंभा को पार करने में लगा समय, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और 4 किलोमीटर एक ही दिशा में जा रही है, फिर से एक ही दिशा में जा रही है 40 से 4 किलोमीटर, तो क्या करेंगे एक ही दिशा में जाएगी उसको माइनस करते हैं घटाते हैं, अगर दोनों तरफ से आएगी तो टक्कर हो जाएगा, मान लीजिएगा अगर इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है तो दोनों क्या हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा, तो अगर आने में जाने वाला सवाल भी देखेंगे इसके बाद, ये तो जा रही है सिर्फ, उसके बाद आने और जाने दोनों में देखेंगे, तो देखिए अब इसमें इसको घटा देंगे क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर तो आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या गया है यहाँ पर, व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, पार करने वाला समय बराबर आपको बताया था, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो आपको दूरी कितनी है 300 मीटर, तो आपको हो जाएगा 300 मीटर या आपका 36,
36 को क्या करते हैं किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो आइए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 × 36 और 5 × 10 यानी कि आपका 300 मीटर / 10 हो जाएगा। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो अब कितने सेकंड में पार करेगी, 30 सेकंड में पार करेगी। इसको कितने समय में पार करेगी, 30 सेकंड में। अब इसके बाद देखेंगे आने और जाने वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एसएससी बैंकिंग रेलवे जितने भी प्रश्न में आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम में आया हुआ है वह प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर/घंटे की चाल से चल रही है। मान लीजिएगा कोई 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर/घंटे की चाल से क्या कर रही, चल रही है। तो यहाँ पर अपने विपरीत दिशा में देखिए, विपरीत दिशा में यानी कि आने में और जाने में, मान लो कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो आने में और जाने में लगा समय, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। जो यहाँ पर विपरीत दिशा बताया गया, पहले हमने देखा था एक ही दिशा में, यानी कि ट्रेन क्या करती है, एक ही दिशा में जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यह ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी, यानी कि दोनों तरफ से ट्रेन एक इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, कि आने में और जाने में, यानी कि दोनों ट्रेन टक्कर होगा, ऐसे ही प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। मान लीजिएगा क्वेश्चन कहता है आपका कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर/घंटे की चाल से जा रही है। मान लो कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये आपका एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर/घंटे की चाल से क्या कर रही है, जा रही है, इधर जा रही है, कहाँ कर रही है, इधर जा रही है, ठीक है, मालूम नहीं है कहाँ जा रही है, लेकिन एक ही दिशा इधर से जा रही है। उसके बाद पूछता है कि अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर/घंटे की चाल से चले। अब विपरीत दिशा में इधर से, ये आपका विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर, ये आपका 6 किलोमीटर चाल से चले। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, चाल पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी कि इन दोनों की चाल क्या होगी, यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भागिएगा मत, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आने में और जाने में लगा समय, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर + 6 किलोमीटर को जोड़ देंगे तो आपका 60 किलोमीटर आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। कितना किलोमीटर आएगा, 60 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल पूछा गया, यानी इन दोनों की चाल निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको नोट कीजिएगा ना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, आपका एसएससी बैंकिंग जेडीएस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब चाल बराबर दूरी बटा समय निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा कितना निकल कर आया, 150 मीटर एक लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, तो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है तो आपका 60 किलोमीटर, इसको चेंज करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए पहले 60 × 5/18, अब इसको कैंसिल करते हैं, कितना बार में जाएगा, आपका 3 से इसको पार देते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 50/3। अब पूछा गया है दूरी बटा समय, आपका समय निकल कर आ गया है, ठीक है, समय निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो यहाँ पर लिखते हैं 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ लिखते हैं, और जिनको यहाँ पर सॉल्व किए थे उसको यहाँ पर लिखते हैं 50/3। अब इसको ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 150 × 3/50, ये इधर से कट जाएगा, 50 से कम 50, 50 + 150 और 3 × 3 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 सेकंड आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी कि इन दोनों की चाल क्या होगी, 9 सेकंड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9 सेकंड होगी, यानी कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा और ऐसी एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल बनती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, 90% गारंटी देखो, आपको नहीं सिखा पाए तो वीडियो डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज की मैराथन क्लास चल रही है, यानी कि एक ही वीडियो में आपको पूरा क्लासेस कराया जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा
कैप्सूल के साथ ही, अगर ये डोज आपने ले लिया, कहता हूँ गारंटी है एग्जाम आपका ऐसे ही पार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन कि यहीं तक रहने दे, कल देखे क्या बाकी की क्लास कल देखेंगे आप। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं या फिर स्टूडेंट जुड़ चुके हैं या फिर जो लोग हॉस्टल वार्डन हैं, एसआई भर्ती, जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करें ऐसी ट्रिक देखने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए। ठीक है, आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं यही क्लास, कल देखेंगे बाकी का छः क्लास। कितना बचा है आपका, कितना टॉपिक बचा था आपका आज, पाँच से कितना, सात से आठ प्रकार का क्वेश्चन आज देख लिए। ठीक है, सात से आठ प्रकार का क्वेश्चन देखें, कल आपको पांच क्वेश्चन और करा दूंगा, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये दो चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रेलगाड़ी से दो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।